平衡，如梦，是地平衡。शुद्धांत तुम जिगदीक सारं संप्रापिता गांत भबाब्धि पारं नित्वादनंति सबूधि भारं समांधि सारं पुरुडोमि सारं नमूरि हंतारं नमो सिद्धानं नमो आयानं नमो जायानं नमो नोय सुविसाहुडं अनंतानं पुरुं सिद्धकवानी के एक जाटगवान आदिनाव सोमी के एक जाटगवान महावीर सोमी के पुरुम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की पुरुम पूज आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की इन समय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश और भाई स्वामी के शासन में हम शहर बिराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र के पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो हितरा सुरबन संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंक दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वसत का सत्याद्भुत प्रदान किया है। धन्य विची जिन्होंने मन के संकल्पों पर संकल्पित होकर के नियंत्रण करने का विचार किया है। पूर्ण शांति पूर्ण आनंद वहां है जहां मन के संकल्पों में विराम है। संकल्प विकल्पों की लीला अग्नि की ज्वाला से प्रचंड है। ये अग्नि की ज्वाला तन को भस्म करती है, संकल्प विकल्प भावों की विशुद्धि को भस्म करते हैं। जगत का प्रत्येक प्राणी वस्तुत्व दृष्टि से जीवत्व भूत है। जीवत्व भूत है उस सात तत्व में जीव तत्व भूत है। छह द्रव्यों में द्रवित्व भूत है।
नौ पदार्थों में पदार्थ भूत है, पंचास्तिका में अस्तिकाय भूत है। जितने नाम लिए हैं इन पर श्रद्धान करना सम्यक है। अरिहंत देव को निहारना आस्था से, अश्रेणी सिद्ध परमात्मा को अपुनर्भव युक्त सिद्ध भगवान, वो अपुनर्भव की साधना में तल्लीन ऐसे वीतरागी निर्गंत मुनिराज, आचार्य उपाध्याय साधु, इन्हें पांच परमेष्ठियों को आस्था से विश्वास साथ श्रद्धा से प्रणति निवेदित कर लेना मित्र एक साधना। इस साधना से गहरी साधना हुए है स्त्री भेदी, पुरुष भेदी, नपुंसक भेदी, त्रियंच मनुष्य, देव, नारकी, इन सारे जीवों के प्रति साम बुद्धि का हो जाना। ये आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक साधना द्वैतभूत है। आत्मस्थ होना आध्यात्मिक साधना का एक पक्ष है, जगत के प्राणियों में एकत्व को स्थापित करना दूसरा पक्ष है, और इसमें कभी शंका मत करना, मैत्री स्थापित किए बिना शुद्ध उपयोग की साधना में कोई प्रवेश नहीं ले सकता। ज्ञानियों समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मैत्री स्थापित किए बिना शुद्ध उपयोग की साधना नहीं कर सकते। पुनः कहता हूं, मैत्री स्थापित किए बिना शुद्ध उपयोग की साधना नहीं कर सकते। यही रहस्य बोला, मैत्री स्थापित किए बिना, आज गूढ़ विषय है सभी ध्यान दो, मैत्री स्थापित किए बिना कोई भी जीव शुद्ध उपयोग की साधना नहीं कर सकता। मैत्री स्थापित किए बिना कोई भी जीव शुद्ध उपयोग की साधना नहीं कर सकता। इधर आइए, सोहम सोहम शुभम, जैसा परमात्मा वैसा मैं हूं, मेरे में परमात्मा में भेद नहीं, सोहम समीकरण, जैसा मैं हूं वैसा परमात्मा हूं, वैसा परमात्मा है, तो जैसा मैं हूं ऐसा भी स्वान भी है, सोहम। जैसा मैं हूं वैसा प्रत्येक इंसान है, प्रत्येक मनुष्य है, जैसा मैं हूं स्वर्ग का देव भी वैसा जीव है, जैसा मैं हूं वैसा नरक का नारकी भी है। भेद पर्याय के हैं, द्रव्यत्व में देखिए, दृढ़ भेद पर्यायों के हैं, ये पर्यायों के भेद, परिणामों के भेद हमें भगवान आत्मा से दूरी बना रहे हैं। मित्र स्थापित कीजिए, जैसा मैं हूं नाली का कीड़ा वैसा है, जैसा मैं हूं तुम्हारे शौचालय में उत्पन्न हुए कीटाणु वैसे ही है, जैसा मैं हूं आपकी मल में उत्पन्न हुए जीव वैसे ही है, पानी में उत्पन्न जलचर जल कायिक वैसे ही है। हे मित्र, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित प्रत्येक साधारण सारी वनस्पतियों में वैसे ही जीव है। अब हे ज्ञानी, जब मैं शुभम की साधना कर रहा था तो आपने ऊपर वाले शुभम की साधना की,
ऊपर वाले सोहम की साधना की पंडित चंद्र से मित्र ध्यान से सुनना है। आत्मन ऊपर के परमात्मा की साधना की सोहम, जब तक पानी के अंदर में सोहम नहीं देखोगे तुम पानी छान के प्रयोग नहीं कर पाओगे। पानी के अंदर के जीवों में सोहम नहीं देखोगे बिल छानी नहीं कर पाओगे। पानी के अंदर सोहम नहीं देखोगे कुएं में बिल छानी नहीं भेज पाएंगे। सोहम की साधना आप नहीं देख पाए, मां सीधा भिंडी लिया ऐसे छील दिया, दो टुकड़े कर दिए उसके, तुमको सोहम की साधना नहीं थी। जिस माँ को सोहम की साधना है वो भिंडी ऐसी नहीं बनाएगी, वो भिंडी यूं करेगी। ये क्या है, कोई कीड़ा उसके अंदर था, यूं उन्होंने पीस किए टुकड़े किए, सारे टुकड़े कीड़ों के हो गए। वो आपने यूं किया है, फाली कर ली है, उसके भीतर के जीव को देखिए। मित्र वकील साहब, हे ज्ञानी सोहम की साधना करेगा तो सीधा सेव फल ऐसे उठा करके ऐसे खाना प्रारंभ नहीं करेगा, उस सेव फल को विभाग करेगा, प्रासुक करेगा। सोहम की साधना बेटा लोग समझ ही नहीं पाए, उन्होंने मूलाचार श्रावकाचार को क्रियाकांड में रख दिया जबकि सोहम की साधना थी। अभी अभी भोले भैया कह रहे थे मैत्री और सदुपयोग का क्या संबंध, उनका दो मिनट में बिना उत्तर दिए समाधान हो गया। हे मित्र, जिस दिन सोहम की साधना में लीन हो जाओगे तभी तुम भगवान का नाम ले पाओगे। भगवान का नाम ले पाओगे सदुपयोग तो बहुत दूर है। सोहम शब्दों के जाल में कैसे आप उलझा के रखा और सीधा का सीधा दया शून्य कर दिया अज्ञानी सोहम की साधना वालों ने। ऊपर का पक्ष रखा प्रोफेसर अमित, ऊपर का पक्ष रखा मध्य का अधोलोक का पक्ष ही नहीं रखा, ऊर्ध्वलोक का ही पक्ष रखा। मां वही श्रीवाणी है। आज मैं उत्तर प्रदेश के बड़ौद में बैठा हूं, मुझे तो पूरे विश्व के प्राणियों में एकत्व दिखाई दे रहा है। एक सज्जन ने शुभ्र साहब मेरे से आगे प्रश्न किया, क्या आप नादनी जाएंगे? नहीं, क्यों? वहां तो महाराष्ट्रीय लोग रहते हैं। मैंने कि धन्नो तुम्हारी प्रज्ञा को, तुमको मालूम ही नहीं है सिद्ध सलाह पर कितने जीव कहां कहां के विराजे हैं, वे सिद्ध भगवान हैं। तो क्या महाराष्ट्र में रहने वाले मनुष्य नहीं है? क्या जीव द्रव नहीं है? क्या धर्मात्मा नहीं है? क्या ये पंच परमेष्ठी पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं? ये भ्रम को निकाल दो, कौन से प्रांत का सिद्ध बनेगा जो तपस्या करेगा ढाई द्वीप में सब सिद्ध बनेंगे। बोले आप जाएंगे क्या? मैंने कहा यदि जैन समाज का मुनि होऊंगा तो जहां जैन रहते होंगे वहां जाऊंगा। और पंथों के मुनि होंगे वे एक ही स्थान पर रहेंगे, जो पंथों के मुनि होंगे वो एक स्थान पर रहेंगे और सकल समाज के मुनिराज होंगे, विश्व हित की भावना रखने वाले होंगे तो सारे विश्व के लिए सोहम का पाठ पढ़ाएंगे। सोहम की साधना को कितना छोटा कर दिया हो।
जो सोहम बोला आपके अंदर है, क्या वो सोहम पीयूष के अंदर नहीं है? बस अतुल स्थिर हो जाओ, ज्ञानी मित्र सौरव इधर देख, जिस दिन सोहम की साधना में चले जाओगे धोखे से तुम जा रहे थे, जाते जाते तुम्हारी कोई झाड़ी उलझ के आपकी भुजा से रक्त बहने लगा, क्या करोगे? बोला कहेंगे हाय मेरा इतना दूर खून बह गया, मैं कमजोर हो गया। आगम कहेगा एक साल की कमाई खून की चली गई, सोहम का साधक कहेगा दुख इस बात का नहीं कि रक्त बह गया, दुख इस बात का नहीं है कि एक साल की कमाई खवाई की कमाई चली गई, दुख इस बात का है कि इस रक्त के अंदर समूर्छन मनुष्य बैठे हुए थे, वे भव्य जीव सोहम की साधना के साधक उनकी प्रार्थना हो गई। वे क्या समझेंगे पाखंडी लोग सोहम की साधना को, जो दूसरे के शरीर के गले को निकाल के फेंकते हो, धन्य जीव जो अपने शरीर के रक्त के भी एक बूंद टपकने पर अपने गुरु से प्राश्चित देने जाते हैं, रक्त का नहीं रक्त के अंदर जीव मर गए उनकी अहिंसा के लिए। धन्य उन योगियों को पहले प्रणाम करो। महात्मा बोले एक गरुड़ी मां पग रख रही समल समल के मेरे उद्रष्ट शिशु को पीड़ा ना हो। धन्य भी होगी अपने शरीर को भी नहीं हिला रहे ढुला रहे सोहम की साधना में डूबे, कहीं मेरे शरीर की आड़े तिरछे करने से इस शरीर के अंदर भरे समूर्छन जीव और त्रस जीव क्या चिंतन कर रहा है, बहुत गर्मा गर्म खा लूंगा, मेरे उदर में कहीं कीड़े पड़े होंगे कृमि भी पीड़ित हो जाएंगे। टीका खाएंगे वे पीड़ित हो जाएंगे। ओ सोहम की साधना इतने तल्लीन हो गए, मेरी धमनियों का रक्त, सिराओं का रक्त, मेरे शरीर का रज स्त्री है आर का रज, पुरुष है मेरे शरीर का वीर, ऐसे साधना में तल्लीन है, ये किसी प्रकार से बाहर ना निकले उसके अंदर होने वाले सोहम के साधकों की मृत्यु हो जाएगी। ककार आ रही है मित्र, देखेंगे जाके ये पीछे से मार्जन करेंगे, फिर कहीं कप बाहर निकालेंगे, किसी भगवान आत्मा की वहां मृत्यु ना हो जाए। मक्खी आके चिपक गई बकली सा उसका क्या होगा, चींटी आके चिपक गई उसका क्या होगा। धन्य वे श्रावक घर में खाने का जूठन भी नहीं छोड़ते हैं, थाली धो के पी जाते हैं। सोहम का साधक अज्ञानी कहेगा भिखारी है थाली धो के पी रहा है, ज्ञानी कहेगा सच्चा श्रावक है ये हिंसा नहीं करना चाहता।
सुखी खुशियों के पीछे पर के दुखों को देखता है, सो हम का साथ है। महात्मा छोटू, ये जीवन में आज तुम प्रवचन सुनने बैठे हो तो कुछ सीख के उठना। मित्र, जिस पर तुम्हारी करुणा उदस्ती है उसको तुम प्राण देने को तैयार हो, और जिससे तुम्हारा क्रोध बरसता है उसके प्राण लेने को तैयार हो। सम्यक दृष्टि जीव कहता है दोनों में मध्यस्थ भाव। आज कोई यहां पर 50 नरियल चढ़ा जाए, भैया आनंद वो भी मेरे साथ नहीं जाएंगे। तलवार दिखा करके चला जाए वो भी मेरे साथ नहीं जाएगा। एक भी तरह की श्रवण निर्गंत दीक्षा वह परम आनंद है जिसमें अहिंसा का आवेदन होता है, सोहम की साधना। आत्मन चंद्रेश, मित्र दोनों से मैं कह रहा हूं, क्या रहस्यमय साधना आपके भीतर जन्म ले ले। दीक्षा लेना मेरा धर्म है। भावों को दीक्षित करना परम धर्म है। पुनः कहूं, दीक्षा लेना हमारा धर्म है। बिना दिन दीक्षा के प्राण मत छोड़ना, बिना दिन दीक्षा लिए प्राण मत छोड़ना, पर दीक्षा के पहले विशुद्धि के प्राण मत ले लेना। ओह मित्र, कोई नहीं समझाएगा। दीक्षा लिए बिना प्राण नहीं छोड़ना, और दीक्षा के पूर्व दीक्षा के पीछे भी भावों की विशुद्धि के प्राण नहीं लेंगे। दीक्षा हो जाएगी लेकिन विशुद्धि तो आज मेरे हाथ में है। एक सज्जन मेरे पास आए, नांदनीमल भैया कोल्हापुर। मित्र, सोलापुर में मैंने चातुर्मास किया। अच्छा, शांति सागर महाराज जी की संलेखना के उस क्षेत्र में ऐसे संस्कार है, ऐसे संस्कार। रतन चंद जी साहा, समझ गए, रतन चंद जी साहा जीवराज ग्रंथमाला के ट्रस्टी विश्वस्त। महाराज जी समाधि चाहिए, गए। बोले हाँ। विद्युलता साह, महाराज जी समाधि चाहिए, आशीर्वाद। एक दादा आए 8 दिन पहले, सोमवार के दिन आए। उन्होंने आते ही बोला महाराज जी जय जिनेन्द्र। तो लोग आश्चर्य करने लगे, कितने समझदार आदमी। उन्होंने फिर से बोला महाराज जी जय जिनेन्द्र। हमने की आशीर्वाद, कोई आश्चर्य नहीं किया हमने, मैं तो समझ रहा था। लोग बोले, बोले आप जय जिनेन्द्र कर रहे हो, बोले मुझे मालूम है आप ऐसे ही बोलो। बोले जय जिनेन्द्र महाराज जी। ओ दादा स्वयं बोले महाराज जी मुझे मालूम है मुझे आपको नमोस्तु करना है, लेकिन मैं जय जिनेन्द्र कर रहा हूं। बोले क्यों कर रहे हूं कि स्वामी मेरे मुख से जय और जिनेन्द्र बाहर ना चले जाए। जय और जिनेन्द्र, जय में आप भी हैं और जिनेन्द्र में आप भी हैं, ऐसा आप करना मत, लेकिन विषय समझना, ये तुम परंपरा शुरू कर दो। तो दादा बोले जय जिनेन्द्र, बाद में बोले महाराज जी नमोस्तु। बोले स्वामी मुझे समाधि मरण करना है। नहीं क्यों? बोले आप तो मुझे समाधि मरण दो, कि अभी आपको जीना है। बोले नहीं, दादा को समाधि मरण का व्रत दिया, उनकी विधि बता दी। इतना खुश, इतना खुश जीव, उनके परिवार के सदस्य कहते गुरुजी
इतना तो इनके जब सात फेरे पड़ रहे थे शादी के, उस दिन भी खुशी नहीं थे जितने की आज। धन्य वो जीव कि लोग जन्म जी जाऊं इसलिए पूरे जीवन की कमाई आनंद वैद्य के घर में पटक देते। जी जाऊं पहले क्या किया अतुल, जीवन नष्ट करने के लिए संपत्ति के पीछे तुमने जीवन नष्ट किया। न भोजन का ध्यान रखा, न पानी का ध्यान रखा, पैसा आना चाहिए पूरा झोंक दिया, सो बीमार हो गए। कमाई के लिए वीरसेन जी पहले शरीर झोंक डाला, अब बीमार हो गए तो शरीर की रक्षा के लिए अब पैसा झोंक डाला। अज्ञानियों की महिमा तो देखो, वो दादा क्या बोलता है, गुरुजी मुझे समाधि दे दो। ओहो, लोग तड़पते हैं, मुझे बचा लो। धन्य सोहम का साधक वो जैन श्रावक जो जीवन का राग छोड़ करके मरण की प्राप्ति के लिए मुस्कुरा रहा हो, यही सच्चा श्रावक है। उन योगियों का ध्यान करो क्षण के लिए, एक ग्लास गर्म पानी पी रहे, वो भी कंठ में जाना बंद हो गया। अब निर्णय दो चलेंगे, हाय मैं मर जाऊंगा, पीऊंगा नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, एक ऐसा सोच रहा है, एक ये सोच रहा है। और भाग्य मेरा, मैं बाहर से तन से किसी की हत्या कर नहीं रहा हूं, ये उष्ण जल मेरे कंठ में जाता, उद्रष्ट जीवों की हिंसा होती, और भाग्य मेरा आज मैं परम अहिंसा की ओर जा रहा हूं, बिना आहार के बिना पानी के जब तक जीऊंगा, निर्विकल्प होकर के मैं प्राणों की चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं सोहम के साधक भव्य जीवों की रक्षा के प्रणाम रखते हुए मैं उस अंतिम श्वास को भरूंगा, जो श्वास इतनी धीमी हो जाए, ठंडी हो जाए, शीतल श्वास। सुनो जैनियों की चर्या, सुनेंगे आप सोचते रह जाएंगे, प्रभु नेत्र का उठना बंद हो रहा, अज्ञानी यूं कह रहा शक्ति क्षीण हो गई, योगी मुस्कुरा रहे हैं कि पलक के उठने निमेश उन्मेष में वायु काय के जीवों की हिंसा होती, पलकों का झपना इकना ही बंद हो चुका है। मां मत करना डबल हिंसा, वे क्रूर लोग होते हैं, तुरंत रोके दिखाते हैं, तुमसे कोई पसीज जाए, उसके भाव गिर जाए, तुम्हारे मुंह में मूर्छित हो जाए, और जो पानी तुम्हारे आंखों का निकला गर्म, वो जिस जमीन पर गिरेगा वहां के जीवों के प्राण चले जाएंगे। ये सत्य नहीं है क्या? तो अतुल कहेगा, गुरु जी हम रूमाल में पहुंच लेंगे, तुम रूमाल में पहुंच लोगे, फिर रूमाल धोने जाओगे, साबुन लगाओगे, पानी बहाओगे, और हिंसा। मैत्री भाव स्थापित किए बिना सो शुद्धोपयोग की साधना नहीं हो सकती है। देश के संपूर्ण मुमुक्षु जीवों के लिए वकील साहब ये उपदेश सुनना चाहिए।
ध्रुव हिंसा का त्याग, ध्रुव अहिंसा का पालन, भाव हिंसा का त्याग, भाव अहिंसा का पालन, हम जिन दीक्षा को प्राप्त हो रहे हैं भावों की अहिंसा के लिए, दीक्षा के लिए ही हम भावों को संकल्प विकल्प में नहीं डालेंगे। अन्वेषण करो, अन्वेषण करो, खोजो, बिल्कुल ठंडी हो जाओ। मां अब रोगे, आंख का आंसू गिरना, मुमुक्षु पुना, मुक्षु पुणे मित्र समझ, आंखों का आंसू भी हिंसा। आनंद आहार देने आए, ये रस के ऊपर दूध दे रहे थे, मैंने अंजलि बंद कर ली। गुरुजी आपको क्या चिंता, आप तो शरीर की ममत से रहित हो, क्या रोग शोक की चिंता कर रहे हो? सुनना भाई, नहीं मित्र, ये आपका पक्ष है कि रोग शोक की चिंता क्यों कर रहे हो, जो आए ले लो। अभी आप कहोगे नहीं गुरुजी ठीक है। हे मित्र, जैसे ही दुग्ध पर मौसमी का रस लिया, फिर मूंगफली भी चला दिए, उल्टा सीधा आहार ले लिया, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, जुकाम होगा, श्लेष्मा आएगा, सिंघाण आएगा, मल खकार आएगी। ओ मित्र, बीज सामक से उठ के बाहर निकालने जाना पड़ जाएगा, फिर जिस भूमि पर डालेंगे वहाँ मार्जन भी कर लिया, छोड़ के चले गए, बाद में आके चीटी आके चिपक गई, मक्खियाँ आ गई। धन्य योगी को शरीर के अस्वस्थ होने के लिए नहीं, मेरे अस्वस्थ होने पर ये व्यर्थ का जो मल बढ़ेगा इससे जीवों के प्राण चले जाएंगे। धन्य मुनिराज का चिंतन, धन्य मुनिराज की चर्या, धन के विचार शक्ति, कितना ऊंचा सोच रहे हैं कि मैं बीमार भी नहीं होना चाहता हूं, मेरे बीमार होने से जीवों की हिंसा होगी। इतना ही नहीं, कदाचित ये सौरभ जी आ गए, गुरु जी हम जाएंगे शुद्ध औषधि कूट के लाएंगे। आहा, कोई वृक्ष की छाल लाओगे बेटा, कोई वनस्पति लाओगे, रसायन लाओगे, कूटोगे, पीसोगे, आरंभ होगा। हम नहीं चाहते हैं मेरे बीमार होने पर तुमको आरंभ करना पड़े। इसलिए परम अहिंसक वे हैं जो 18 दोष से शून्य है। ज्ञानियों, समझ में आ रहा है? देखो माता, मैं व्यवहार ने से व्याख्या कर रहा हूं पूरी, और जा कह रही है शुद्ध सुख। आज वीर सिंह जैसे व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि विनोद वकील यदि समय सार पढ़ रहा है, वास्तव में समय सार पड़ रहा है, तो आपको आज ये समझ में आना चाहिए कि हमने आज सुना है इस जीव ने कब से ये आनंद लूटा है। तो आपको समझ में आएगा हम द्रव्यानु का निषेध करने में डूबे रहे, ये अमृत पान कर रहे थे, लेकिन सोहम सोहम कहता रहा और बेटे की मां को नहीं छोड़ा, तो मैं कहूंगा ढोंगी है। हो, बुरा नहीं मानना कोई मेरी बात को, और सोहम सोहम कहते हुए जगत की प्रत्येक नारी को छोड़ करके नहीं थी सामर्थ सुधार संतोष व्रत को ले लिया, मैं कहूंगा ये ब्रह्मचारी है एक देश। उन अभागों से जो श्रेष्ठ है जिनकी आंख सब जगह दौड़ रही है, सो हम
एक मटके में तिल भर दीजिए पीयूष, और लोहे का गरम सरिया उसमें डाल दीजिए, सारे तिल क्षण मात्र में झुलस जाएंगे। ऐसी एक बार की अब्रह्म सेवन में कोटि कोटि जीव क्षण मात्र में झुलस जाते हैं। सोहम का साधक कहेगा, जैसा मैं हूं वैसा भगवान है, जैसा मैं हूं ऐसा इस जीव का भी भगवान आत्मा है। वितरागी श्रवण रात्रि में छोड़िए, दिन में भी मौन रख लेते हैं। बोले दिन में भी मौन साधना करो राजेश भारती, साधना करो फिर आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। अभी मैं शुद्धि से आ रहा था, ठीक है, जंगल से गया था, वहां से लौट रहा था। एक भाई ने दूसरे भाई से पूछा, ये कब बोलेंगे, मुझे कुछ नहीं कहना पड़ा, स्वयं समझा रहा था, अभी नहीं बोलेंगे रास्ते में, वहां जाएंगे तब बोलेंगे। देखो जीव का सोच, प्रणव सागरी विराजते यहां, रतलाम में सुब्रत सागरी एक बालक आया, रतलाम मध्य प्रदेश में एक बालक आया, वो प्रणव सागर से कहता, महाराज जी जब आप मौन रहते हो तो मुझे भगवान जैसे लगते हो। उस बच्चे की प्रशंसा सुनिए आप, जब आप मौन रहते हो तो मुझे भगवान जैसे लगते हो। मतलब दुनिया को मालूम है भगवान मौन रहते। क्या हो गया आज, ज्ञानियों सारे जगत में सारे दृश्य तुमको मिल जाएंगे सिनेमा हॉल में, पर ये दृश्य तुम्हें मिलेगा निज के हाल में। स्वीकार है आज आपको कि कितने करोड़ों लोग इस परम आनंद भूत सत्यार्थ तत्व के उपदेश की अनुभूति से सुन रहे हैं। मित्र ज्ञानचंद जी पाटनी जी, यह ध्रुव दृष्टि, यह आत्मा का आनंद, ये अध्यात्म विद्या, इस विद्या के बल पर आप एक घंटे यहां शांत बैठे हो, वे योगेश्वर जीवन भर इसका आनंद लूटते हैं। क्या भाई अशोक, तुम दुर्ग गए, ये अपनी हवेली ले गया आपको, पाटनी ज्ञानचंद जी अपनी हवेली में ले गए, बहुत बड़ा महल बना के रखा है इन्होंने, और जा करके सोने चांदी के बर्तनों में सुंदर मारवाड़ी भोजन कराया इन्होंने, छत्तीसगढ़िया चावल खिलाए। अशोक कह रहे हैं, जब एक दिन में मुझे इतना आनंद आ रहा है, ये व्यक्ति कितना भाग्यवान है, ये तो रोज ही ऐसा भोजन करता है। सुनो कौन थे सुब्रत से, सुकुमार, सुकुमार की मां ने भोजन बनाया, सम्राट आया तो उनको ज्यादा भोजन बनाना पड़ गया, जो खीर चावल की बनाई थी वो खीर राधा के साथ अपने बेटे सुकुमार को परोसी। उस सुकमाल एक एक चावल बीन बीन के खा रहा, और राजा ने खीर खा ली,
उन्होंने पूछा कि आपके बेटे की कुछ अवस्थाएं हमको ऐसी लगती जो असमान हो। आरती उतारी तो आंखों में पानी गिरा रहा था, बैठा तो स्थिर बैठ नहीं पा रहा था। सुकुमार तुम्हारा बेटे को क्या रोग है क्या माँ? सेठा ने कहती राजन क्षमा करना, बेटे को रोग नहीं है, वो इतना कोमल है। आपके आने पर मैं राई की स्वस्ति किया तो उसको दाने चुभ रहे हैं। आपके लिए आए मैं इसको रत्नों के प्रकाश में रखता हूँ। दीपक घी का जलाया तो घी के दीपक की जो धूम है वो भी उसको चुभ रहा है आंखों में, इसलिए आंसू आए। तो खीर के एक एक चावल क्यों खींच निकाल रहा है? राजन इसको ये चावल नहीं खिलाती हूँ मैं, कमल नाल के अंदर चावल रखते हैं तो वहां कोमल होकर सुवासित हो जाते हैं, उन चावलों की खीर इसको खिलाते हैं। लेकिन आप पधारे थे इसलिए हमने इस चावल में और चावल मिला दिए, तो ये पहचान पहचान करके उन्हीं उन्हीं चावलों को खा रहा है जो कमल लाल में रखे थे। ओहो, ये कमल लाल के चावल की व्याख्या चल रही है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें जो सोहम की साधना आप सुन रहे हो एक कमल लाल के चावल की भांति विषय चल रहा है, वो चुन चुन के। अब कल्पना करो कि अशोक भाई कह रहे हैं, अरे पाटनी आप रोज प्रतिदिन ऐसे भोजन करते हो? बोले हाँ। अच्छा पाटनी को छोड़ दो, अशोक जैसे आप प्रवचन सुन रहे हो और सुनते सुनते जी मालूम है कि भव्य श्रावक क्या बोलते हैं महाराज जी, जो विषय जैसे झूला होता है, झूला स्वतंत्र झूला, ऊपर जाए तो अलग अनुभूति, नीचे आए तो अलग अनुभूति, बीच में रहे तो अलग अनुभूति। अनुभव किया झूले झूले पर? हाँ अभी यहाँ लगा था जब जुलूस निकला था ना, क्या बोलते अच्छा यहाँ बहुत झूले लगे थे। तो मालूम उन झूलों पर अलग अलग संवेदन होता है, ऐसे वक्ता आपको झूले की भांति ऊपर नीचे ले जाता है तब अलग स्पर्धमान होता है। अब कल्पना करो कि एक दिन भोजन किया अशोक ने, कह रहे आप प्रतिदिन ऐसे ही करते हो, यहाँ प्रश्न ये करो कि सौमी जैसा उपदेश आप कर रहे हो और जो योगी का आनंद है हम लोग तो सुनकर के आनंद लूट रहे हैं, ऐसा आनंद होता है? मित्र कहना मित्र योगी ऐसा आनंद प्रतिदिन लेते हैं, प्रतिदिन लेते हैं, नहीं 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 प्रतिदिन नहीं प्रति क्षण लेते हैं। विराजो ज्ञानी यो चिंत निज में थिर भय, यू चिंत निज में थिर भय, तीन अखत आनंद लहो, सो इंद्र नांग नरेंद्र अहम इंद्र के नाही कहो। एक क्षण का जो आनंद है वीतरागी भावलिंगी शब्द उपयोगी मुनिराज का, वो आनंद एक श्वास प्रमाण काल का जो आनंद है, कोटि कोटि अप्सराओं में रमण करने वाला सौदर्म इंद्र उस आनंद के पार नहीं पा सकता। इसलिए कहां संकल्प विकल्प के उलझन है? मित्र समझ बोला जब मुनि बने सो बन जाना, तो मित्र भोजन कर शांति से बैठो, दुनिया में क्या रहो देखो जानो, जाने दो शांति का वेदन करो, सोहम की साधना करो, सोहम की साधना करो। बिना मैत्री भाव के कोई भी जीव सामायिक नहीं कर सकता, सदुपयोग छोड़िए। अब भी आपसे प्रश्न है दादा वीर सिंह जी, मित्र पड़ोस में दादाजी बैठे ना, पीछे देखो और पीछे मुड़ो, बड़े दादा हैं, मुनि भक्त आदमी, चार महीने में ऐसा कोई दिन नहीं छूटा ये आके सिर ना टेकते हो,
अब सोचो मित्र, ऐसे भव्य जीव को तुम गाली दे के आ जाओ, ठीक, फिर सामाय करने बैठ जाओ, तुम्हें भगवान दिखेंगे कि दादा का चेहरा दिखेगा, वो चेहरा दिखेगा तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम क्षमा नहीं मांग लोगे। मां कितनी उपवास कर लो, तपस्या कर लो, ज्ञानी कितनी साधना कर लो, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, यदि मां तुम सासू से लड़के आई है तो भगवान के सामने खड़ी होगी, भगवान का चेहरा नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। मां जैसे अपने बेटे को आंचल का दूध पिला के आई हो, ऐसा जगत के प्राणी मां के प्रति दुलार होगा, तुम घर में आंख बंद की होगी, तुमको भगवान का चेहरा दिखेगा। शीतल पानी में, स्थिर पानी में, जमीन में पड़ा सिक्का भी दिखता है। स्थिर पानी में, शीतल पानी में, जमीन में पड़ा सिक्का भी दिखता है, उबलते पानी में सामने खुली आंखों से देखो, चश्मा लगा के देखो, तब भी सिक्का नहीं दिखेगा। मलिन पानी में सिक्का दिखता नहीं, चेहरा दिखता नहीं, ऐसी राजेश जी मित्र भावों में मलिनता है, चित्त में उबाल है कसाय का, तो कहाँ तुम परमात्मा की आत्मा की बात कर रहे हो, सामने भगवान की मूर्ति नहीं दिखेगी, आपको अपने माँ भाई बंधु नहीं दिखेगा, तुम कहाँ निजात्मा की बात कर रहे हो। जो भी साधना है जैन दर्शन में, जो भी साधना है वो आत्म तत्व को निहारने के लिए संपूर्ण साधना करना पड़ती है, ये सही साधना का साधना है। युवा मुनि धन्य निसंग सागर जी, मित्र समझ कुछ नहीं करना, मानो मेरी बात, जब तक तुम श्री संग में हो तुम राजा हो अपने, संकल्प नहीं विकल्प नहीं, न चेलों का विकल्प, न चेलियों का विकल्प, न संग संचालन का विकल्प, मुझे करना क्या है, साधु क्रिया साधवा, साधु क्रिया साधु, साधु तो साधु क्रिया में लीन है। ये 51-52 नम का जो श्लोक है ना, इतने गहरे हैं, फैनी दादा सुन रहा ना, जैसे दूध लगते देखा, दूध कोल्हापुर नादरी मठ, गाय है गाय नादरी मठ में दूध निकलते देखा, ओ मित्र कैसे बाल्टी में दूध नीचे होता है और फैन ऊपर आ जाता है, जितनी अच्छी धार छूटेगी वो फैन ऊपर आता है। ऐसी जिसके भीतर आनंद होगा वो आनंद का फैन बाहर आता ही आता है। देख ज्ञानी अतुल, घर के आनंद बहुत देख लिए, अब साधना का आनंद भी देख, वो भी देखो। समझ ज्ञानी आनंद, पिता ने आनंद नाम दे ही दिया है, विश्वानंद छोड़ अब आत्मानंद में डूब जा। संकल्पिन विकल्पिन ही नहीं हेतु विवर्जित, आप सोच रहे हो व्याख्या क्या चल रही है, ये सूत्र चल रहे हैं यहाँ पर, धारणा धीप निर्मुक्ति निर्मल स्थान के ध्रुवम निज्जीतम स्थान चित्त तुम भावे भावनम कुरु,
पदे तत्र गतो योगी ना पुनर्जन्मतः मृजेत, नहा पुनर्जन्मतः मृजेत। तथा प्रकाश संजी चंद्रेश मित्र देखो, निर्णय ये करो अपने जीवन में, पीली दुकान मुझे कहूं। मां बच्चा जब जमीन पर गिरता है प्रथम बार तो क्या करता है भाई गोंदिया? बेटा बच्चा जब गिरता तो कैसे रोता है? ये तो मुझे ही मालूम, रोता कैसे? आसी ओ संजंत के भैया, तो पंडित खड़ा हो जा, बोल बेटा बच्चा कैसे रोता है? ये नहीं पूछ रहा हूं रोता कैसे, रो के बताओ। हाँ सौम्य साम्य सागर जी, हाँ शुरू हो जाओ, बच्चा कैसे रोता है? हे ज्ञानी, बालक माँ के उदर से गिरते ही रुदन करना प्रारंभ कर देता है, रुदन करना प्रारंभ कर देता है। हे मित्र, कितनी पीड़ा से निकला है, कितनी पीड़ा से निकला है। आदिनाथ स्वामी की पूजा की जयमाला पढ़ लो आज, निक से ज्यो जंत से तार हो, ओहो दीन मारी दीन तन सुन विनती। हम तो जब पूजा करते थे ना, सब पूजा छोड़ करके आदिनाथ स्वामी की पूजा की, फिर जयमाला पढ़ के आने लुटते थे, प्रभु दीन तन उसको, इसलिए तो जल्दी मुनि बन गए। लेकिन भोला ने आज तक पूजा ही नहीं करी, जिस दिन कर लेगा उस दिन क्या, प्रभु मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे नियोग से कोई जगत की माताओं को पीड़ा हो, और मैं काय काय करूं, या मेरे मरने पर कोई माता को रोना पड़ जाए, या मैं गर्म में जेर का मल मूत्र का यो जितने जीव है वो गड्ढे खोदेंगे, सोहम की साधना भंग हो जाएगी, इसलिए मैं आज से नियम करता हूं ऐसी साधना करूं किसी माँ के गर्भ में जन्म ना लेना पड़े। सोहम सोहम सोहम, विराज भाई जीवों को देख के बैठना, संकल्पेन विकल्पेन, संकल्पेन विकल्पेन, संकल्प विकल्प से रहित हेतु विवर्जित और संपूर्ण हेतुओं से रहित धारणा ध्येयम विनिर्मुक्ति, धारणा धी के विकल से विनिर्मुक्त। सुनो भैया, संजयंत महात्मा सागर जी संयंत ज्ञानी चिदे पिंड चंड अखंड शुद्ध उपयोग की निर्मल दशा, चिद पिंड चैतन्य पिंड ज्ञान घन अखंड शुद्ध उपयोग की जो निर्मल दशा है, वहां पर ध्यान ध्याता ध्येय, वकील साहब ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प न जहां, चिद भजे चिदेश चैतन्य क्री क्रिया तहां। जो चैतन्य की क्रिया है, चैतन्य की क्रिया है, वहां मित्र जो मोहम तुड़ता नान सावधी मुड़दी आदम तम जदि मोहम साहू परिहटिया विनती। श्री समेश्वर जी में भगवान कुंद कुंदेव एक गाथा सूत लिख रहे हैं, अहो बड़ोद के मोक्षु अब तो कान पवित्र करी लो। श्री समय सार से जो मुहुम तुड़िता नान सब मुड़ी आदम तम जिद मुहुम साहो पर मट भी आनिया बेनती। मित्र कितने पुरुषार्थ से हम लोगों ने गाथा याद किए, तुम तो भाग्यशाली सुन रहे हो। जो मुहुम तुड़िता, जिस जीव ने मुह को जीत लिया है, नान साहो मुड़ने आदम
ज्ञान साहु को जो स्वीकार कर रहे हैं, मार रहे हैं, सो जिदमोहम साहू, ऐसा जिदमोही साहू जो है परमट्ट विहारिया विनती, वही परमार्थ को जानता है। आदि भावना मणम मुड़ी समाचर दी, जो आदि भावना मणम मुड़ी समाचर दी, जो मुनि आत भावना से युक्त होकर के साम्य भाव में आचरण करता है वो जीव, सो क्षण मात्म है, समय नहीं क्षण मात्म है, अचिर कालीन है, अचिर काल में ही शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त कर लेता। सौ दुख परमुखम, सौ दुख परमुखम, संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता। जहां धारणा विकल्प समाप्त में धारणा करता हूं, ध्येय ध्यान सारे विकल्प समाप्त, निर्मल स्थान के ध्रुवम ध्रुव स्वरूपोहम, अखंड चैतन्य ज्ञान घन ध्रुव स्वरूपोहम सोहम, नियोजित सदा चित्त भावम, और जो नियोजित सदा निश्चित ही सदा मन लगाओ, कहाँ निज भावी ऐसी भावना करो, किसमें ज्ञायिक स्वरूपोहम, ज्ञायिक स्वरूपोहम, ज्ञायिक स्वरूपो, एकमात्म ज्ञायक हूँ, एकमात्म ज्ञायक हूँ, जानने देखने वाला हूँ, किसी का कर्ता नहीं, किसी का हर्ता नहीं, किसी का रक्षक नहीं, किसी का भुक्ता भी नहीं। जो आप सुन रहे हैं आज, ये मुनिराज को नहीं सुन रहे हो, ये मुनि भाव मुनि को सुन रहे हो। अब आपको जैसे परखी डालते ना बोरे के अंदर, आप यहाँ गल्ला मंडी है ना बाहर बड़ौद में, परखी जानते हैं, परखी परखी डाल के दाने निकाल लेते हो, ऐसे मित्र ये योगी के आनंद की परखी के दाने हैं, तुम देख लो क्या है। मित्र डब्बू भाई कहाँ भटक रहा भाई, देखो आनंद अतुल डब्बू ये मोटे मोटे लोग एक साथ मुनिराज बन जाए, शांत कुंत आ रहा है। ये संसार का पागलपन छोड़ भाई डब्बू, छोड़ छोड़ छोड़, ऐसा बोल सनी जगत को छोड़, ऐसा बोल सोहम सोहम। देख भैया सुन रहा कि नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है, आपसे यहां संख्या इन माताओं की है, हैं शांत बैठी, कुछ तो है, ये परमेश्वरी शांत हो जाए, कुछ तो है। ज्ञायिक स्वभाव, तो ज्ञायिक स्वभाव किस वाय मुझ में अन्य शब विभावों का अभाव है, पर भाव रहितो हम ज्ञायक स्वरूपो हम पर भाव रहितो हम। ऐसा जो योगी क्या कह रहे हैं, ये तो पदे तत्गतो योगी, उस पद को प्राप्त होता योगी, निर्विकल्प शुकल ध्यान को प्राप्त हो जाता वो योगी, फिर ना पुनर्जन्म जन्मताम ब्रजेत, जब शुक्ल ध्यान में तल्लीन हो गया ऐसा परम योगी पुनः संसार की गतियों में जन्म लेता नहीं है। क्या एक स्वरूप सोहम स्वीकार है बोला मित्र स्थापित किए बिना, पहले बाहर से शांत होना पड़ेगा,
फिर भीतर शांत होना पड़ेगा, फिर शांत में भी शांत होना पड़ेगा, फिर आपको यूं निर्णय लेना पड़ेगा। बोले क्या? बोले क्या? माँ मुझे मार जे माँ चिंते किम भी होई थिरो अपा पम्मिरो झाड़म। हमारी धर्म की भाषा प्राकृत और प्रकृति की भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, जिसको सुनते ही एक बार सुनो ध्यान से। माँ मुझे मार जे माँ चिंते किम भी हुई थुरो अपा पम्मिरो इनमें प्रवीण चाड़ूं डमूरीं ताड़ूं डमू सिद्धानम डमो आईरियानम डमू छायाडम डमो लोई सोविसा हूडम। घंटा बजाने के बाद घंटे के नीचे खड़े हो जाओ, नमोकार पढ़ने के बाद शांत हो जाओ। जो तुमने भूला है उसे सुनो, यानी अब समय हो ही गया, घर जाना ही पड़ेगा आपको। मैं नहीं चाहता हूं, अच्छा लग रहा आपको ईमानदारी से, तो मैं तो यही चाहता हूँ तुम 24 घंटे मेरे साथ रहो, हम सुनाएंगे आपको। तुम एक हमारे मुमुक्षु विनोद बगेल साहब का मित्र मिल गया ललितपुर में मुझे। प्रतिदिन पंचायत सिखाए की वाचना चल रही थी, प्रतिदिन वाचना में आया। अब तो मेरे साथ सुबह सुबह शुद्धि को सोच जाने लगे। 2 किलोमीटर दूर जंगल में आते आते नहर पर मैं चला आ रहा था, वो भाई मालूम क्या बोलता है, महाराज जी एक मन करता हूँ। बोलो भाई क्या मन कर रहा है? बोले आपको किडनैप कर लूँ। हमने क्या बोल रहा भाई? बोले हमने क्यों ऐसा, तुम क्यों करना चाहता है? बोले मैं आपको किडनैप कर जंगल में ले जाऊँ, आप सुनाओ मैं सुनता रहा। हम के ज्ञानी सुनने के लिए तो किडनैप क्यों करना दूसरे का? तू ऐसा बोल मैं आपके साथ चलूं, तू दीक्षा ले ले, तू सुने मैं सुनाऊंगा। तो मित्र जाओ, कल फिर आओगे परियारी, तू पुनः चर्चा करूंगा। अब ग्रंथ में यही विषय प्रारंभ हो चुका है, शुद्ध समय सा आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम आत्मा स्वभाव प्रभाव आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न महावीर स्वामी की। और देखिए आज दोपहर में